आज का टॉपिक है कि ऐसा क्या करें कि बीपीएससी का जो आने वाला एग्जाम है 67, उसमें हम लोग कम से कम 110 नंबर तक पहुंचने के स्थिति में हों। तो हम लोग का टॉपिक है कि कैसे लाएं अंतिम 30 दिनों में 100 प्लस अंक। आखिर किन-किन बुक्स को पढ़ ले या नोट्स को पढ़ ले और कम से कम 100 प्लस या 110 प्लस आए। ऐसा नहीं है कि ये नहीं आ सकता है, आ सकता है, लेकिन तब आएगा जब पहले से थोड़ा बहुत आप पढ़े रहेंगे। अब अंतिम 30 दिनों में हम लोग यदि ये चाहें कि पूरे सिलेबस को पढ़ लें, ये संभव नहीं है। यदि ये चाहें कि एनसीईआरटी पढ़ें तो भी संभव नहीं है। तो आखिर किन दो चार किताब को पढ़ें कि हम लोग पास होने के स्थिति में आए, क्योंकि हम लोग को तो प्रारंभिक परीक्षा में केवल पास करना है। तो जो भी लोग, मैं हूं या कोई और हो, अगर पीटी को बार बार पास किए हैं या मेंस पास किए हैं या इंटरव्यू में गए हैं या इंटरव्यू पास किए हैं, तो उन लोगों ने कुछ स्ट्रेटजी को निभाया है और उस स्ट्रेटजी के मदद से हम लोग जानेंगे कि कैसे आसानी से अभी भी 30 दिन है उसमें 100 प्लस नंबर ले आना है। तो करना क्या है, करना ये है कि अब समझने पर ज्यादा ध्यान देना नहीं है। सबसे पहले ये करना है कि एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री, इससे सबसे पहले डरना नहीं है। इसका सिर्फ एक किताब पढ़ना है, सिर्फ एक किताब। उस किताब का नाम है घटना चक्र, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है। अब सब किताब को साइड कर देना है और इस घटना चक्र को थ्रू आउट 4 से 5 दिनों में पढ़ लेना है। हम लोगों ने पढ़ा है और इसके मदद से पास भी किया है। ऐसा नहीं है कि ये किताब आपको पास करा देगा, लेकिन यदि पहले से थोड़ा सा समझ विकसित है तो इस किताब को पढ़ना बहुत मुश्किल नहीं है। 5 से 6 दिन में आप इस घटना चक्र को पढ़ जाइए, पढ़ जाते हैं, समझ विकसित है तो 30 प्लस नंबर आपको यहाँ से आ जाएगा। तो 30 नंबर हम लोग को हिस्ट्री से आ गया। उसके बाद हम लोग को करना है साइंस। साइंस में अब लूसेंट वगैरह पढ़ना नहीं है, क्योंकि लूसेंट पढ़िएगा तो 30 दिन में वो समाप्त होगा नहीं। आपको करना है, एक पुस्तक है स्पीडी का, स्पीडी पब्लिकेशन का पुस्तक आता है जो रेलवे ऊपर में लिखा रहता है। अगर वो बुक अभी मेरे पास होता तो मैं आपको दिखाता। तो बुक सेंटर पे जाना है, यदि है तो अच्छी बात है, यदि नहीं भी है तो बस आप बुक सेंटर पे जाइए और बोलिए कि स्पीडी पब्लिकेशन का जो साइंस का किताब है आप हमें दीजिए। आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 20 नंबर का जो साइंस है उसमें 15 मार्क्स आपको आ जाएगा। तो स्पीडी पब्लिकेशन का जो रेलवे का बुक होता है और रेलवे का जो क्वेश्चन बैंक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड उसमें क्वेश्चन रहता है वन लाइनर, उसको सभी को याद कर लेना है। सुबह में उठ के उसको याद कर लेना है। तो 30 और प्लस 15 आपको 45 नंबर इन दो बुक से आ गया। तीसरे नंबर पे हम लोग को करना है, एक पुस्तक लेना है क्राउन पब्लिकेशन का, क्राउन बिहार। काफी आसान पुस्तक है, हम लोग जानते हैं बिहार से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 20 में से कम 15 मार्क्स का क्वेश्चन इस किताब से आ जाएगा। इस किताब को आप पढ़ जाइए, थोड़ा सा मैप के मदद से आप विश्वास करिए कि 15 नंबर क्राउन बिहार से आपको आ जाएगा। तीसरा किताब हो गया। तो हम लोग को हो गया 30, 15, 45 और 15, 60 नंबर। चौथा किताब है करेंट अफेयर्स। इससे मान के चलिए कि 35 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो 35 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो यदि मार्केट में आप मार्केट में प्रतियोगिता दर्पण का समरी उपलब्ध है लास्ट 12 मंथ्स का, तो वो पढ़ लीजिए, जनरली ये मिलेगा नहीं। अगर ये नहीं मिल रहा है तो एडुटेरिया पब्लिकेशन का, एडुटेरिया पब्लिकेशन का जो ईयरली बुक होता है आप उसको पढ़ लीजिए। अगर उसको पढ़ते हैं तो कितना भी दिक्कत होगा तो 25 नंबर यहां से आ जाएगा। तो 65, 5,
70 और 20, 90 नंबर आपको ये चार किताब लाके दे ही देगा। हिस्ट्री का घटना चक्र एक पुस्तक, फिर हम लोग देखें स्पीडी पब्लिकेशन का साइंस, उससे क्राउन का बिहार, और चौथा किताब है करंट। आप सिर्फ इस चार किताब को यदि आप पढ़ते हैं तो आपको 90 नंबर एकदम आना है। और उससे पहले जो आप पढ़े हैं वो ज्ञान आपको 20 नंबर ऐड कर देगा। तो केवल आप इन चार किताब पे अब फोकस करिए। ज्यादा यदि आप पढ़ने के चक्कर में रहिएगा तो जो पहले से पढ़े हैं उसको भी भूल जाइएगा। थोड़ा सा अगर आप इसमें एड ऑन करना चाहते हैं तो एक कर सकते हैं, पांचवें नंबर पे इंडियन इकोनॉमी में कुछ नहीं पढ़ना है। इकोनॉमी में सिर्फ आपको ध्यान रखना है बजट और सर्वे। आपको 5-10 पेज का मिल जाएगा बजट और सर्वे। इंडिया का जो बजट है वो देख लेना है, और इंडिया का जो इकोनॉमी सर्वे है वो देख लेना है, बिहार का जो बजट है वो देख लेना है, और बिहार का जो सर्वे है वो देख लेना। ये आपको 10 नंबर बढ़ा देगा। इस तरह आपका नंबर चला जाएगा 100+। तो 100+ इस चार बुक और 5-6 पेज से हो जाएगा। एक्स्ट्रा में जो ज्योग्राफी है या पॉलिटी है या मिसलेनियस जीके होता है वो आप पहले से पढ़े हुए हैं, वो आपको 10-15 नंबर दे देगा। इस प्रकार नंबर हो जाएगा 110। यही एक तरीका है अंतिम महीने में न्यूज सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है, पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस चार किताब पढ़िए, घटना चक्र, हिस्ट्री, उसके बाद साइंस के लिए स्पीडी पढ़िए, बिहार के लिए क्राउन का किताब पढ़िए, और साथ में आप बजट और सर्वे देख लीजिए, और करेंट अफेयर्स के लिए एडुटेरिया का किताब देख लीजिए। तो केवल चार किताब एक महीने में पढ़ना काफी आसान है। एक बार में एक सब्जेक्ट पढ़िए, 7-7 दिन का टारगेट रखिए, 28 दिन में खत्म हो जाएगा, फिर भी 5-6 दिन बचेगा। उसमें हम लोग बजट और सर्वे हम लोग अगर पढ़ लेंगे तो यकीन मानिए 110 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। हालांकि ये बीपीएससी है, हम लोग देखे हैं पिछले बार एग्जाम भी बहुत लोगों का अच्छा गया और एग्जाम कैंसिल हो गया। उन सभी डर को निकाल देना है, क्योंकि ये सभी चीजें हमारे हाथ में नहीं है। जिनको जो सेटिंग करना है वो करते रहेंगे, हम लोग अपना सेटिंग करें, इन चार किताब को पढ़े और 110 नंबर ले आए। धन्यवाद।